इस बीच एक बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां आज यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। दोपहर में 12:09 पर कपाट बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने से पहले पूजा अर्चना की जाएगी। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां आज यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। दोपहर में 12:09 पर ये कपाट बंद कर दिए जाएंगे। वहीं कपाट बंद होने से पहले पूजा अर्चना की जाएगी। बता रहे कि शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली में अब यमुनोत्री के दर्शन होंगे। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मां गंगा के कपाट बंद होने के बाद अब यमुना के कपाट आज विधि विधान के साथ बंद कर दिए जाएंगे। हजारों श्रद्धालु इस दौरान साक्षी बनेंगे। वहीं उत्तरकाशी विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट 12:09 पर बंद होंगे, जिसके बाद श्रद्धालु मां यमुना के दर्शन उनके मायके और शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली में कर सकेंगे। वहीं बुधवार को यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल ने बताया है कि यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर विधिवत पूजा अर्चना और हवन यज्ञ के साथ बंद कर दिए जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त के शुभ अवसर पर जो कपाट है वो दोपहर 12:09 पर बंद होंगे। वहीं इसी दिन सुबह शनि देव की डोली अपनी बहन को लेने के लिए खरसाली से यमुनोत्री धाम लाई जाएगी। बता दें कि विधिवत पूजा अर्चना के बाद बहन की अगवानी करते हुए डोली वापस खरसाली लाई जाती है। वहीं कपाट बंद होने के दिन यमुनोत्री के तप्त कुंड में स्नान करने से यम यातना से मुक्ति मिलती है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता उत्तरकाशी से विनीत कसवाल जुड़ गए हैं। विनीत, खबर सामने आई है कि यमुनोत्री धाम जो है वो आज बंद कर दिए जाएंगे। तो दोपहर में 12:09 पर ये कपाट बंद होंगे। जी जी जी, बिल्कुल, आपको बता दो, भाई दूज के पावन पक्ष पर आज मां यमुना के कपाट विधि विधान के साथ 12:09 पर पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर अब से थोड़ी देर पहले शनि महाराज की जो डोली है वो यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है और कुछ ही देर बाद वहां पहुंचेगी। और साथ ही साथ पूजा अर्चना के बाद लगभग सुबह 4 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। अब धीरे धीरे जो कपाट बंद होने का सिलसिला है वो लगातार जारी हो। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां यमुनोत्री धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर में 12:09 पर ये कपाट बंद होंगे। वहीं कपाट बंद होने से पहले पूजा अर्चना की जाएगी, जिसमें श्रद्धालु इस दौरान